नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीकेवी क्लासेज में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री। एक नंबर पर जो प्रधानमंत्री रहे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1964 यानी 16 साल 286 दिन। और वो किस पार्टी से थे? वो कांग्रेस पार्टी से थे। अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों के बारे में, क्या था भाई सबसे पहले, क्या इसके बारे में बात बताएं, वे सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा वो किनका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। दूसरा क्या था, इसको क्या था मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1964 से लेकर 1964 यानी कितने दिन रहिए, 13 दिन यानी 13 डेज। और वो किस पार्टी से थे? वो थे कांग्रेस पार्टी से ही संबंध रखते थे। आगे है भी तीन नंबर पे है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1964 से लेकर 1966 तक यानी 1 साल 216 दिन के लिए वो क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। और वो किस पार्टी से थे? वो थे कांग्रेस पार्टी से थे। और दूसरा क्या था भैया, एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिसकी क्या है, विदेश के अंदर मृत्यु हुई थी, विदेश में यानी जो पाकिस्तान के अंदर जगह है क्या, ताशकंद, वहाँ पर क्या हो गई, इनकी मृत्यु हुई थी। और दूसरा अगर हम बात करें चार नंबर पे है गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1966 से लेकर 1966 यानी 13 दिन, यानी दूसरी बार फिर वो कितने दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे, वो फिर भी 13 दिनों के लिए रहे प्रधानमंत्री रहे। और वो किस पार्टी से थे? वो कांग्रेस पार्टी से थे। आगे है पाँच नंबर पर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का अगर हम कार्यकाल के बारे में पढ़ें तो वो है 1966 से लेकर 1977 यानी 11 साल 59 दिन के लिए क्या रही है, प्रधानमंत्री रही। और वो किस पार्टी से थी? वो कांग्रेस पार्टी से थी। और जो उसकी उपलब्धियाँ थी क्या थी भैया, दूसरे इसमें बताया गया है एक आयरन लेडी, हम इसका नाम दिया गया आयरन लेडी, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही, कौन, इंदिरा गांधी। आगे है छः नंबर पर मोरारजी देसाई, जो जिसका कार्यकाल रहा वो रहा 1977 से लेकर 1979 यानी 2 साल 126 दिन के लिए क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे थे। और वो किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से यानी नॉन कांग्रेस पार्टी से ये क्या रखते थे, संबंध रखते थे, यानी एक प्रकार से हम अलग पार्टी से बोल सकते हैं भाई, अलग पार्टी से क्या रखते थे, संबंध रखते थे। आगे है सात नंबर पर चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1979 से लेकर 1980 यानी कितने दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे, ये रहे 170 दिन के लिए। और वो किस पार्टी से संबंध रखते थे, वो भी क्या थे, जनता पार्टी से ही संबंध रखते थे। आगे है इंदिरा गांधी क्या है, इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1980 से लेकर 1984 यानी 4 साल 291 दिन के लिए क्या रही है, प्रधानमंत्री रही। और वो किस पार्टी से संबंध रखती थी, वो कांग्रेस पार्टी से ही संबंध रखती थी। और क्या है दूसरा, इसके अंदर अगर हम बात करें, ये दूसरी बार क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी थी। और आगे है नौ नंबर पे है राजीव गांधी का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1984 से लेकर 1989 यानी अगर हम बात दिनों की बात करें या साल की बात करें तो 5 साल 32 दिन के लिए क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। और वो किस पार्टी से थे, वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। दूसरा अगर हम बात करें इसके लिए, एक ऐसे युवा हम बोल सकते हैं यानी युवा प्रधानमंत्री रहे, कौन, राजीव गांधी जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी जो इनका कार्यकाल रहा वो 1989 से लेकर 1990 यानी 343 दिनों तक क्या रहे, प्रधानमंत्री पद पर रहे। और वो किस पार्टी से थे, जनता पार्टी से। आगे है 11 नंबर पे चंद्रशेखर यानी जो उनका कार्यकाल रहा वो रहा 1990 से लेकर 1991 और यानी कितने दिनों तक रहे वे प्रधानमंत्री, 223 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। और किस पार्टी से थे, वो थे समाजवादी जनता पार्टी से। आगे है 12 नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव, यानी जो उनका कार्यकाल रहा वो रहा 1991 से लेकर 1996 यानी 4 साल 330 दिनों तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। और वो किस पार्टी से थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे। आगे हैं 13 नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल है 1996 से लेकर 1996 और कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रही है, 16 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। और वो किस पार्टी से संबंध रखते थे, बसपा पार्टी से संबंध रखते थे।
ये भाजपा पार्टी के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। और आगे देखिए 14 नंबर पर HD देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल है 1996 से लेकर 1997, और कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, 324 दिन ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। और वो किस पार्टी से संबंध रखते थे, जनता दल से संबंध रखते थे। आगे है देखिए 15 नंबर पर इंदर कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल रहा 1997 से लेकर 1998 तक, और कितने दिनों तक रही है, 332 दिनों तक अपने पद पर रहे, यानी प्रधानमंत्री पद पर रहे। और वो किस पार्टी से संबंध रखते थे, जनता दल से संबंध रखते थे। आगे है 16 नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल है 1998 से लेकर 2004, और कितने दिनों तक रहे, 6 साल और 64 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और किस पार्टी से संबंध रखते थे, ये भाजपा पार्टी से संबंध रखते थे। आगे और क्या है भाई, ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे है 17 नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल है 2004 से लेकर 2014 तक, 10 साल 4 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। और किस पार्टी से संबंध रखते थे, ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। यानी अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, सबसे ज़्यादा यानी शिक्षित प्रधानमंत्री रहे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे है 18 नंबर पर नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 2014 से अब तक है, और वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। दोस्तों आज हमने पढ़ा भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।